हेलो स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज आपका जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है दल शिक्षण के लाभ व उसकी लिमिटेशन यानी कि उसकी सीमाएं, लिमिटेशन व सीमाएं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस जो हमारे दल शिक्षण है इसमें मैं आज आपको कुछ इसके प्रॉफिट, और कहते हैं कि प्रॉफिट अगर होता है तो उसके साथ हमारी कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज में ये प्रकृति का नियम है, या हम इसे माने कि हर चीज, प्रत्येक चीज सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। इसीलिए अगर हम टीम टीचिंग को जितना भी प्रभावी माने, अच्छा माने, इसके साथ जो हमारे प्रॉफिट है उनके साथ हमारे इसके लिए कुछ लिमिटेशन, कुछ उसकी जो उसमें दोष पाए जाते हैं वो भी मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम इसके दल शिक्षण के लाभ पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि इनमें इसके दल शिक्षण के कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला है शिक्षण का कार्य दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा संपादित होता है। हमें पता है कि दल शिक्षण में क्या होते हैं कि दो या दो से, सबका हमने जाना ही यही था कि दल शिक्षण आखिरकार है क्या। दल मीन्स समूह, जिसमें दो या दो से अधिक जो शिक्षक हैं वो हमें शिक्षण करवाएं, पढ़ाएं एक साथ, उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। तो दल शिक्षण का कार्य क्या होता है कि दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर क्या करते हैं, हमें हमारी शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसके अंदर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विशेषज्ञों के द्वारा क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्योंकि जब दो या दो से अधिक शिक्षक जाएंगे तो जो होंगे कौन, वो विषय विशेषज्ञ, तो उनका जहां हमें एक विषय विशेषज्ञ के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वहां हमें कितने व्यक्तियों से मिल रहा है, कितने शिक्षकों से, दो या दो से अधिक, यानी कि हमारे ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इसमें कहा जाता है कि जो हमारे इसका लाभ है सबसे पहला वो ये है कि दो या दो से अधिक हमारे शिक्षक विशेषज्ञ हमें उस शिक्षण के प्रति, हमारे शिक्षण के कार्य को संपादित करते हैं, और हमें उन विशेषज्ञों के द्वारा उस विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है हमारा प्रत्येक विद्यार्थी चर्चा में सहभागी, यानी कि मैंने पहले भी बताया था दल शिक्षण के अंदर यह जैसे लोकतंत्र प्रणाली है उसी तरीके से है। इसमें बताया था कि इसमें शिक्षक का और छात्र दोनों इसमें बराबर के सहभागी होते हैं। इसीलिए इसमें बताया कि जो हमारा दल शिक्षण है जो बहुत कम समय के लिए आयोजित करते हैं, जैसे हमारा इसका एक समय निर्धारित होता है, इस लघु समय में प्रत्येक जो हमारे विद्यार्थी होते हैं किसी भी टॉपिक पर चर्चा में वो सहभागी बनते हैं, यानी कि उसके हिस्से, उसके एक तरीके से उनका भी उसमें वो बोलते हैं, अपनी सहभागिता दिखाते हैं कि वो भी उन्हें बोलने की उसमें स्वतंत्रता होती है। जिस तरीके से शिक्षक बोलते हैं उसमें, उसी तरीके से छात्र को भी अपने विचार और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की स्वतंत्रता पाई जाती है। तो वो शिक्षक ये कहते हैं कि जब ये चर्चा होती है, हमारी दल शिक्षण का आयोजन किया जाता है, उसमें शिक्षार्थी भी उसमें सहभागी होते हैं, उसमें वो अपना जो उनका खुद का बराबर का जो योगदान होता है वो उसमें अपना योगदान देते हैं। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति, अपना जो छात्र है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की उन्हें स्वतंत्रता प्रदान होती है, वो अपने विचार इसमें रख पाते हैं। तो ये भी इसके लाभ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमारी जो दल शिक्षण है इसमें छात्र भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो सेकंड प्रथम था इसका शिक्षण का कार्य दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा संपादित होता है। सेकंड था इसका प्रत्येक विद्यार्थी चर्चा में सहभागी, जो लघु सत्र जो इसका आयोजन करते हैं कम समय के लिए। थर्ड है हमारा इसका विषय का गहराई से अध्ययन। दल शिक्षण में जहां दो शिक्षक मिलकर, दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक साथ इसका आयोजन करते हैं, तो हमें कई बार होता है कि टीचर को ये लगता है कि
उनकी कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए वो अपने जो टॉपिक होते हैं उसे इतने गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अकेले अगर हम शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसमें जहाँ गलती होती है उसका पता स्वयं शिक्षक और छात्र को रहता है, लेकिन यहाँ अगर उनके साथ जो दूसरे विषय विशेषज्ञ के साथ जाता है उनके सामने उनकी कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए वो उसका गहराई से अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक बेनिफिट ये हो गया कि शिक्षक और ज्यादा, यानी पहले तो शिक्षक जाते ही तैयारी से है, लेकिन जब दल शिक्षण का आयोजन है तो उसमें शिक्षक क्या करते हैं, अपने विषय का और गहराई से वो अध्ययन करते हैं, जिससे कि उन्हें परिश्रम करना पड़ता है। ये कहें कि हम ज्यादा से ज्यादा वो परिश्रम करते हैं, इससे क्या होता है जो उनका ये शिक्षण है, शिक्षण क्रिया है, वो एक व्यावसायिक विकास भी करता है। क्योंकि हम मानते हैं कि जब शिक्षक अच्छा पढ़ाएंगे तो छात्र भी चाहेंगे कि हमें अच्छे शिक्षक पढ़ाएं, तो एक तरीके से उनका जो व्यावसायिक पक्ष है उसका भी विकास होता है। फिर है हमारा इसमें थर्ड फोर्थ है अध्यापकों की शैलियों कौशलता आदि का निरीक्षण। जब एक शिक्षक और दो शिक्षक से ज्यादा मिलकर जाते हैं तो वो एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, उनके कौशलों का निरीक्षण किया जाता है कि कौन से शिक्षक में कौन सा कौशलता पाया जाता है। नहीं, प्रत्येक उनके जो कौशल होते हैं पढ़ाने के, हम ये कहें कि उनके शामपट का, यानी कि राइटिंग का, या उनका व्याख्यान करने का, या उनका प्रस्तुति, यानी प्रत्येक जो उनका प्रस्तुतिकरण का प्रत्येक पक्ष का उनका ऑब्जर्वेशन होता है। क्योंकि साथ में जो हमारे दूसरे शिक्षक जाते हैं वो हमारा ये ऑब्जर्व करते हैं कि शिक्षक ने किन किन कौशलों का और कहां तक उन्होंने उसका प्रयोग किया। ये हमारे दल शिक्षण में उनका निरीक्षण किया जाता है कि किस तरीके से शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं। एक अध्यापक के हम विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, उनकी भाषा शैली ले लो, उनकी लेखन शैली ले लेंगे, उनके कौशल जो होंगे उदाहरण प्रस्तुत करने का, उनके समझाने का, इन सभी चीजों का शिक्षक, दूसरे शिक्षक उनके जो साथी होते हैं वो उनका निरीक्षण करते हैं। अर्थात यहाँ पर शिक्षक में अगर कोई कमी होती है तो उसका हमारे दूसरे शिक्षक के द्वारा पता चलता है। तो यहाँ अध्यापक अपने प्रत्येक कौशलों का अच्छे से अच्छे प्रयोग करता है, तो हमारे जो शिक्षण होता है शिक्षण भी हमारा प्रभावी होता है। फिर है हमारा सामाजिक संबंधों एवं समायोजन का विकास। दल शिक्षण के समय हम जब कक्षा का जो सामाजिक वातावरण है वो प्रजातांत्रिक और परिचर्चात्मक होने के लिए, यानी कि सभी मिलकर, क्योंकि ये बताया था कि ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसमें सभी एक साथ मिलकर उस पर क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं, उसमें शिक्षक भी सहभागी होते हैं और छात्र भी। तो ये एक तरीके से कहें कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली हो गई जिसमें शिक्षक का भी उतना ही योगदान होता है और छात्र का भी, ये सब मिलकर अपने एक परिचर्चा करते हैं कि उन्हें किस तरीके से शिक्षण को और प्रभावी बनाना है, या इसमें ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनका इसके अंदर समावेश करना होता है। तो इसके अंदर जो परिचर्चा होती है होने के कारण ये क्या होती है, एक सामाजिक संबंधों और समायोजन, यानी कि आपस में समायोजन, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर हमें समायोजन करना, जो हम सामंजस्य हम बिठाते हैं वो करना बहुत अच्छे से आ जाता है। क्योंकि अगर ये स्थिति ना हो तो यही हमारी एक अपवाद का कारण भी बन जाती है, क्योंकि अगर हमारी जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि वहां पर एक तरीके से उस शिक्षण का प्रभाव अप्रभावी हो जाता है। तो समायोजन करना, सामाजिकता लाना इस दल शिक्षण का गुण होता है, क्योंकि बिना समायोजन के इसमें कार्य करना असंभव होता है। अब बच्चों ये इसके हमारे दल शिक्षण के बेनिफिट्स थे, लाभ थे, इसमें हमें समायोजन भी करना आता है, इसमें हमारा निरीक्षण भी हो जाता है हमारे कौशलों का और हमारी शैलियों का। फिर है इसमें हमारी जो शिक्षक होते हैं वो गहराई से इसके बारे में अध्ययन भी करते हैं और अधिक मेहनत करते हैं, और इसमें सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी भी सहभागिता होती है, और इसमें दो या दो से अधिक शिक्षकों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये सब इसके लाभ थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि लाभ के साथ साथ इसमें कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन है
कौन कौन सी इसकी कमी है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें वैचारिक भिन्नता। अध्यापकों की जो वैचारिक भिन्नता, स्वयं को क्या करते हैं हम, यानी कि एक दूसरा शिक्षक इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे शिक्षक अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ वैचारिक भिन्नता आ जाती है। स्वयं शिक्षक एक दूसरे शिक्षक से खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, वो श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपस में एक वैचारिक भिन्नता आ जाती है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। और इसमें ये भी है कि इसकी जो भावना है, इसमें जहाँ इस वैचारिक भावना के साथ साथ इसमें एक श्रेष्ठ दिखाने की जो भावना जागृत होती है, उसके कारण एक विवादस वातावरण उत्पन्न होने की भी गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि जब जब हम स्वयं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों से, तो कई बार वहां पर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सेकंड है पर्याप्त स्थान की कमी। दल शिक्षण के अंदर जहां शिक्षकों का भी जो ग्रुप होता है वो भी बड़ा होता है, दो या दो से अधिक शिक्षक उसमें भाग लेते हैं और हमारे अनेक विद्यार्थियों को हम समूह बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमें उतना ही बड़ा हमें स्थान चाहिए होता है, हमें हॉल, कक्षा का रूम, या हम कहें कि इन चीजों का जब हम आयोजन करते हैं तो हमें स्थान और उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में जरूरी नहीं कि हमें वो पर्याप्त स्थान मिल सके जिसका कि हम इस दल शिक्षण का आयोजन कर सके। इसीलिए स्थान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक जगह हमें पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है इस दल शिक्षण का आयोजन करने के लिए। फिर है शिक्षकों में आस्था और प्रतिबद्धता की कमी, यानी दल शिक्षण की जो प्रभावशीलता का आधार होता है वो आपस में क्या होता है, शिक्षकों का आपस में विश्वास, सम्मान और सहयोग होता है। लेकिन यदि शिक्षकों में भी आस्था प्रतिबद्धता नहीं होगी तो यह क्या होगी, यह शिक्षण प्रक्रिया सफल ही नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास जरूरी होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वैचारिक भिन्नता, अगर वैचारिक भिन्नता आ जाती है तो आपस में जो आस्था प्रतिबद्धता है उसकी भी कमी आ जाती है। फिर है शिक्षकों की भूमिका में विविधता। हमारे जो शिक्षक होते हैं उनकी विविधता जो बहुमूल्य कारण होता है वो होता है उनका अधिक श्रम करना। यहाँ पर ये दल शिक्षण में उन्हें अधिक से अधिक उन्हें श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कई बार शिक्षक की जो भूमिका है वो एक दूसरे के अवरोधक बन जाती है, किसी का अनुभव, किसी की उनकी जो भूमिका होती है ये दूसरे शिक्षक के लिए एक बाधा उत्पन्न करने वाली हो जाती है, क्योंकि हमने देखे हैं कि अगर दो या दो से अधिक शिक्षक हमारे पास जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक शिक्षक हमारा अनुभवी हो और एक शिक्षक हमारा अनुभवी ना हो, या कि हम कहें कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम बार कदम रखा हो, तो वो जो अनुभव है उनकी वो क्या बन जाती है, उनकी विविधता, यानी कि शिक्षक की जो भूमिका है उस पर उस अनुभव का असर होता है। तो यही बताया कि कई बार ऐसी होती है जो शिक्षकों की भूमिका होती है आपस में, क्योंकि सभी की जरूरी नहीं कि सभी की भूमिका अलग, सभी की भूमिका एक हो, क्योंकि व्यक्तियों के विचार भी अलग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज सबकी अलग अलग होती है, तो यही कारण जो उनकी विविधता होती है वो उनकी भूमिका, जो प्रत्येक अध्यापक की जो भूमिका होती है उसमें उनके लिए एक अवरोधक बन जाती है। फिर है इसमें रूढ़िवादी अभिवृत्ति। परंपरागत रूढ़िवादी जो अभिवृत्ति हमने देखा है कि जो शिक्षक होते हैं, कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो उनका मेथड होता है उसको वो छोड़ते नहीं है, जो उनकी आदत हो जाती है कि उन्हें इस तरीके से पढ़ाना है, तो वो एक परंपरागत रूढ़िवादी बन जाता है कि उन्हें इसी तरीके से पढ़ाना होता है। फिर वो दूसरे शिक्षकों को भी उसी तरीके का कार्य करने के लिए या तो वो कहते हैं कि इसी तरीके से हमारे अनुसार कार्य हो, या वो उसी तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं। अध्यापक की जो रूढ़िवादी अभिव्यक्ति के कारण इस विधि को अपनाने में हमारे समूह शिक्षण में कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ में अगर हम इसमें देखें कि एक समय के लिए भी इसमें कहा गया है कि थोड़ी सी जो संरचना है, जो समय है, जो एक बहुत ही
ही छोटा समय है, उस समय में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि समय को थोड़ा लचीला भी बनाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो समय क्रम का विभाजन करके जो हम टीचरों के लिए जो समय बनाते हैं उस समय में थोड़ा निरंतर उनका थोड़ा परिवर्तन समय के अकॉर्डिंग कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो टॉपिक जो हमारा विषय वस्तु थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसे पूरी तरीके से बता नहीं पाते, इसीलिए हमने जो इसके लिए समय निर्धारित करके रखते हैं उस समय में भी हमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी दल शिक्षण की, जो दल शिक्षण के हमारे लाभ और दल शिक्षण के हमारे सीमाएं, उसकी दोष कि कौन कौन से हमारे लाभ है इसके अंदर और कौन कौन से हमारे दोष है। धन्यवाद।